आ जिन्हों दमदमी टकसाल कहिंदे ने ना, इन्हां दे अड्डे दे उत्ते मेहता चौंक RSS दे वर्कर प्रचारक दी ट्रेनिंग लैके आए ने। हुण जिहड़े उत्थों ट्रेनिंग लैके गए ने वो सिक्खी सरूप दे विच पंजाब दे पिंडां च जाके सिक्खी दी जड़ां वढ रहे ने। बादल साहब एक गल समझ चुके सन कि सारे सिख मैनूं पसंद नहीं करदे, नहीं तो वह सिर्फ सिखां दे, अगर वह सिखां दे हितू हुंदे अकाली दल कल्ला भी राज कर सकदा सी। उन्होंने कभी भी इस कॉन्फिडेंस नहीं सी। भारतीय जनता पार्टी बड़ा सूट करता सी भी पॉलिसियां उन्हां दियां चलदियां रहन, विचारधारा उन्हां दी चले ते बादल साहब अपना नोट कमाउण दे विच मस्त रहन। जे बीजेपी इकली लड़दी है 117 सीटां दे उत्ते कि बीजेपी नूं भी धर्मां दे उत्ते कब्जा करना पैणा? RSS हर कौम दे कौमी मसलियां दे विच इंटरफीयर करती है। मैं समझना राज बीजेपी ने किया, अकाली दल ने बादल साहब दे परिवार ने उहदा लाहा लिया पैसे कमाउण दे वास्ते। तुसीं एक गल दसो, श्रोमणी कमेटी वर्गी संस्था दे विच सिख इतिहास नाँ की किताब छपे जिदे विच गुरु साहिबान की जिन्नी बेअदबी की जा सकती उस तो अगे जाया ही नहीं जा सकता, तो वह बगैर ये छप गई है। पंजाब दे विच जे किसी सियासी पार्टी ने पैदा जमाने ने कि धर्म उत्ते कब्जा करना पैना, इहदा मतलब है धर्म नूं ते नहीं प्रफुल्लित किया गया लेकिन वरत्या धर्म नूं गया अपनी राजनीति वास्ते। अकालिया ने राज किया लंबा समा किया लेकिन उहदा धर्म नूं कोई लाहा नहीं मिलिया। जे पंजाब की राजनीति में वड़ना तो धर्म का सहारा जोड़ा वो लेना पेगा। दरबार साहब त हमला जोड़ा उस वे इन्हें रेजिनेशन किया, सिखा धार्मिक तौर पर यदा प्रभाव बनया तो CM बन सकया। सत श्रीकाल दोस्तों, पंजाब न्यूज़ से तुहाडा सब का स्वागत है। पंजाब की राजनीति को समझना हो तो उस तो पहला धार्मिक मुद्दे को समझने की लोड़ है। जे पंजाब दे विच कोई सियासी पार्टी आउंदी है धर्म के मुद्दों ते धर्म की राजनीति लैके बड़ी चर्चा चलती है भी जिहड़े पार्टी ने पंजाब दे विच धर्म दे उत्ते राजनीति कर ली वह इत्थे कामयाब हुंदी है। चर्चा पे भी करांगे साडे नाल मौजूद ने रजिंदर सिंह खालसा, जिन्हां की काफ़ी पकड़ भी रही है, वह धार्मिक मुद्दों पर लगातार ही अपनी आवाज़ बुलंद करते आए हैं। सवाल जवाब करांगे, समझने की कोशिश करांगे कि कोई सियासी पार्टी जे इत्थे अपने पैर जमाना चाहुंदी है किहड़े किहड़े मुद्दे हुंदे ने, जिहदे विच धार्मिक पक्खों भी मुद्दे आ जांदे ने, कि पंजाब दे कुछ मुद्दे जिन्हां नूं लियांदे नहीं जांदा सामने जां उस उपर गल भी नहीं कीती जांदी कि उस उपर भी सियासत हुंदी है, कि पंजाब दे विच राजनीति करन लई सिर्फ सानूं धार्मिक पक्खों ही सोचना पैणा। ਸਾਨਮ ਯੂਨੀਅਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸੇ ਵਾਹਿ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਖਾਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਜਮਾਨੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ, मैं तो समझना जितों समाज का इतिहास चलता है कित भी धर्म से सियासत अड हो नहीं कभी। रामचंद्र जी धार्मिक आगू सन, उन्होंने अज त गल ही उन्हों हो रही है भारत के उन्होंने ना के उत्ते ही इतने सियासत हो रही है सारी, तो वो अपने समय के राजा भी सन तो धार्मिक आगू भी सन। इसलिए कृष्ण जी अपने समय के राजे भी सन ते धार्मिक आगू भी सन। आपां उत्थे ना जाइए, इस प्रवृत्ति नूं सिख गुरु साहिबान ने कुछ मोड़ दिता। उन्होंने जिथे सियासत गिरावट वल गई है धर्म धार्मिक आगू हुंदे हुए उन्हें चैलेंज किया, उस सियासत नूं चैलेंज किया, उहदा हिस्सा नहीं बने या उहदा कंपीटीटर नहीं बने, एक बहुत वड्डा फर्क है। एक होंदा उस सियासत नूं खोण वास्ते कंपीटीटर बनना, एक होंदा उस सियासत नूं सही राह ते पाउण दी कोशिश करनी धार्मिक पक्खों। धार्मिक पक्खों उह साडे गुरु साहिबान ने रोल अदा कीता। जे हुण आपां आज़ाद भारत दे इतिहास दे विच आईए, तुसीं दसो भी कदों इत्थे धर्म नूं इनवॉल्व नहीं कीता गया? ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪੈਦ ਪਕੜ ਪਾ ਦਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਭਾਦੂ ਪਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਧਰਮ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਵੇ
धर्म सिर दा ताज बने, सियासत उहदे अधीन होवे। लेकिन इत्थे ते सारा काम उल्टा हो रहा, सियासत नूं वरत्या जा रहा धर्म दा ताज पहनण, धर्म नूं वरत्या जा रहा सियासत दा ताज पहनण लई, धर्म दा इस्तेमाल हो रहा। जिहड़े तुसीं पंजाब दी गल कर रहे हो, पहले दिन तो अकालियां ने धर्म की राजनीति की है। जे जो हालात सिखां दे देश की वंड वेले सन, उस तो पहले की गल ना करा, देश की वंड वेले सन, उस तो अज किन्ना निगार आया, इहदा मतलब है धर्म नूं ते नहीं प्रफुल्लित किया गया, लेकिन वरत्या धर्म नूं गया अपनी राजनीति वास्ते। अकालियां ने राज किया, लंबा समा किया, लेकिन उहदा धर्म नूं कोई लाहा नहीं मिलिया, धर्म नहीं प्रफुल्लित होया, धर्म नूं वरत्या जा रहा, पहलां तो वरत्या जा रहा। अज दे जिहड़े सियासतदान ने उह वी वरतण दी कोशिश करनगे, क्योंकि वह समझ गए ने कि पंजाब दी राजनीति जिहड़ी है उहदे विच धर्म बहुत भारू है। जे पंजाब दी राजनीति विच वड़ना तां धर्म दा सहारा जिहड़ा है उह लैणा पएगा। जिन्हां नहीं लिया, तुसीं आ देखो कांग्रेस ने भी ज़्यादा इन्हां नूं किस वेले माण मिलिया, हुण जिस वेले अमरिंदर सिंह दरबार साहब ते हमला जिहड़ा है उस वेले इन्हें रेजिग्नेशन किया, सिखां दे विच धार्मिक तौर पर इहदा प्रभाव बनिया तां सीएम बन सकिया। वो जिहड़ा प्रभाव सी कि इह चंगा सिख इहने जी उस वेले रिजाइन कर दिता सी, कांग्रेस छड्ड दित्ती सी दरबार साहब के हमले के रोस के विच, ते उहदा इहनूं माण मिलिया, सत्कार मिलिया। इन्हें गुटका हाथ च फड़ के सहुआं खादियां, उस गल दा इहनूं माण मिलिया भी इह गुटका लै के देखो जी खा रहे। राजनीति दे विच धर्म दा वरतों इह तां चलदी आ रही है, लगातार चलदी आ रही है। जिवें सौखे शब्दां च कहां कि हुण आपां जे गल बीजेपी दा करिए, बीजेपी कभी भी सरकार बनी नहीं, अकाली दी भाईवाल पार्टी जो दोनों आपस में समझौता रहा उदों अकालियां ने राज किया। जे बीजेपी इकली लड़ती है 117 सीटों के उत्ते, कि बीजेपी ने भी धर्म के उत्ते कब्जा करना पैना या धार्मिक वो चीज़ों को छोड़ना पैना कि असी उस पासे हो जाएंगे। कितने कितने चर्चा भी चलती है कि हुण किसी ना किसी तरीके नाल भी धर्म के विच आणगे, साढ़े धर्म को छोड़णगे, साढ़े धर्म दीआं गल्लां करनगे, कि असी उस पर भी सेंटीमेंटल होवांगे। नहीं, तुसीं बड़ा सेंटीमेंटल, बड़ा सूक्ष्म जिहा जिहड़ा ना वो मुद्दा छेड़ दिता। तुसीं जिहड़ी गल कर रहे हो, RSS हर कौम के कौमी मसलों के इंटरफीयर करती है, धार्मिक मसलों, धार्मिक मसलों के कौमी मसले कह रहे हैं ना, कौम धर्म के नाल संबंधित होंगे, सिख तो धर्म भी है तो कौम भी है, ठीक है, धार्मिक मसलों नाल संबंधित होंगे। कोई कौम ऐसी नहीं जिदे विच इन्हां ने अपनी घुसपैठ नहीं की हुई। सिख कौम के इन्होंने दो रूपों घुसपैठ की हुई है, एक रूप के सियासी भाईवाली नाल। तुसीं हुणे कहा भी बादल साहब ने राज कीता, अकाली दल ने राज कीता, बादल साहब ने राज कीता, नहीं मैं तो इहदे उल्ट समझना, मैं समझना राज बीजेपी ने कीता, अकाली दल ने बादल साहब के परिवार ने उहदा लाहा लिया पैसे कमाउण दे वास्ते। पॉलिसियां जिहड़ियां चलदियां रहियां, नीतियां जिहड़ियां चलदियां रहियां, उह ते बीजेपी दीआं चलदियां रहियां, उहनां दे राज ही RSS ने एंटर कीती हुई है। कदों दी कीती हुई है? तुसीं एक गल दसो, श्रोमणी कमेटी वर्गी संस्था दे विच सिख इतिहास नां दी किताब छपे जिहदे विच गुरु साहिबान की जिन्नी बेअदबी की जा सकती उस तो अगे जाया ही नहीं जा सकता, तो वह बगैर ये छप गई है। अज तक श्रोमणी कमेटी ने उन्हें वापस लिया, वो प्रति कोई खेद प्रगट किया, कोई आइडेंटिफाई होया, कोई इनकुआरी हुई भी किन्ने लिखी, क्यों लिखी, किन्ने लिखाई, किमें श्रोमणी कमेटी वालों छप गई, होई कोई? वो हाई कोर्ट ने बैन भी की किताब, तुम्हें याद होना है, वो हम किताब मिलती नहीं अजकल, वो बैन की हुई है, कहते पैसे चंगे उस भी लगे से उस चीज़ को करने वास्ते भी। देखो तुसी जिहड़ी गल कीती है ना भी सिख सियासत दे विच एंट्री दी घुसपैठ करन दी, वो तो राष्ट्रीय सिख संगत दे नां दे उत्ते कदों दे कर चुके ने, उहनां दी सिखां दे विच प्रवानगी किन्नी कोई ये अलग गल है, और वो प्रवानगी जिहड़ी है ना वो हर दिन वध रही है। अज पंजाब दे विच जिहड़े बीजेपी दे लीडर ने वड्डे वड्डे, उहनां विच सिखां दी परसेंटेज नहीं है, 50% ने उन्हां दे नाल, लोग भावें 100 ना हो लेकिन लीडर तो होने ना, उन्हां दी एक पॉलिसी है भी जिहड़ा कोई सिख आना चाहुंदा
उन्हें फटाफट वड्डा सारा अहुदा दे दिओ ताकि पंजाब दे विच जिहड़ा असीं अपना प्रभाव वधा सकीए सिक्खां दे विच। उस पॉलिसी के अधीन वो चल रहे हैं, उस पॉलिसी के अधीन उन्होंने सिख सिख संगत नाँ की जी राष्ट्रीय सिख संगत नाँ की संस्था जी बनाई है। इन्ना ही नहीं, तुहानू इस गल का नॉलेज नहीं होनी, आ जिन्हों दमदमी टकसाल कहिंदे ने ना, इन्हां दे अड्डे दे उत्ते मेहता चौंक RSS दे वर्कर प्रचारक की ट्रेनिंग लैके आए ने। मैं अपनी किताब खालसा पंथ नाम डेराबाद उहदे विच लिखिया, और मैनू इन्हां दे अपने एक जिहड़ा पहला वड्डा अहुदेदार रहा टकसाल का, उन्हें इस गल की प्रोड़ता की है, पर वह इस गल ते शर्मिंदा नहीं, माण महसूस करते हैं कि देखो जी RSS वाले भी साढ़े को ट्रेनिंग लैन आते हैं। हुण जिहड़े उत्थों ट्रेनिंग लैके गए ने वो सिक्खी सरूप दे विच पंजाब दे पिंडां ते जाके सिक्खी दी जड़ां वढ रहे ने। घुसपैठ का असली मतलब यह हुंदा कि जो कौम दे असली सिद्धांत ने, जिहड़े गुरु साहिबान ने सानूं सिद्धांत दिते ने, उन्हां दा सनातनीकरण करके लोगों के फैला दो, वो सिद्धांत खत्म हो जाए, उन्होंने सनातनीकरण कर दौ करके जो लोगों के फैला दो। आप बड़ा जिक्र चलता है, सारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि 47 साढ़े गलती होगी, आम आप चर्चा सुनते हैं कि 47 सानू जो जो गलतियां हुई हम सुधारन की लड़ है या गलती करनी नहीं चाहिए सी, तो लगता गलती हूँ तक असं करते हैं, तुम जिक्र जिमें कर रहे हो टकसाल का नाम लै रहे हो, गलतियां असं हूँ भी कर रहे हैं, जान बुझ के कर रहे हैं कि सियासत ने सू दबा लिया भी सियासत अधीन कर रहे हैं असं भी ठीक है। RSS जो तुम जिक्र कर रहे RSS ट्रेनिंग लैके आए हैं, उसको की कहा जाए, साड़ी गलती है, गलतियां कर रहे हैं कि गलतियां होंदिया रहनगियां? नहीं, तुम जिस रूप से कह रहे हो मैं उस रूप से नहीं मानता, गलतियां तो है ही नहीं, ये कोई शंका ही नहीं, लेकिन गलतियां असी भावना अधीन कर रहे हैं, असी उन्हें चंगा काम समझ के गलत काम कर रहे हैं। करवाया भी जा सकता है? हाँ, करवाया ही जा रहा है, उसके विच तो रोल होंदा ही है ना जी, सरकार का रोल होंदा कितने, कि पार्टी का होंदा, सियासी पार्टी का, सियासी पार्टी का भी होंदा, सरकार का भी होंदा, सियासी पार्टी अपने लैवल ते लोअर लैवल तो करती है, सरकार जिहड़ी उपरों करती है। इत्थे तां डबल रोल रहा, जिसले बादल साहब की जिन्ना चिर सरकार रही है, बादल साहब एक गल समझ चुके सन कि सारे सिख मैनूं पसंद नहीं करते, नहीं तो वह सिर्फ सिखां दे, अगर वह सिखां दे हितू होंदे, सिख धर्म के धारनी होंदे आप, तो कल्ले भी राज कर सकते सन, अकाली दल कल्ला भी राज कर सकता सी, उन्हां नूं कदी भी इस कॉन्फिडेंस नहीं सी, वह जनसंघ सी तो जनसंघ नूं नाल लैके तुरदे सन, भारतीय जनता पार्टी बनी तो भारतीय जनता पार्टी नूं लैके तुरे, भारतीय जनता पार्टी नूं बड़ा सूट करता सी भी पॉलिसियां उन्हां दीआं चलदियां रहण, विचारधारा उन्हां दी चले, तो बादल साहब अपना नोट कमाउण दे विच मस्त रहण, धन इकट्ठा करन च मस्त रहण, दोनों खुश रहे। किसान जिस तरीके दिल्ली बैठे ने जाके तीन बिल जिहड़े ने रद्द करवाउण दे विच, अज भी पूरा कई परिवार जिहड़े हैगे ने घर छड्ड के उत्थे गए ने, जदों जिक्र आउंदा कि असीं BJP नूं पिंडां विच नहीं जाण देना, जिक्र आउंदा आपां देखदे हां कईआं ने पोस्टर भी लगाए ने, कईआं ने भी पोस्टर लगाए ने, असीं किसी भी पार्टी नूं, पंजाब दी किसी भी सियासी पार्टी नूं पिंड अंदर नहीं आण देना, दूसरे पासे भी कहिंदे ने BJP दा बाईकाट करो। जिहड़ा अज दे हालात ने, इहदे च कोई शक नहीं कि किसानां दे मोर्चे की वजह करके भारतीय जनता पार्टी नूं पंजाब दे विच बड़ा वड्डा कोरा लग्गा, RSS ਨੂੰ ਖੋਦਾ ਲੱਗਿਆ, RSS ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਫਰਕ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, RSS ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ RSS ਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕੋਲਣੀ ਘੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, लेकिन वह जहर घोलन के बावजूद भी वह कह के असी भारतीय जनता पार्टी को प्रवान करा दईए तो सिख मानसिकता नहीं एक्सैप्ट करेगी। आ जड़ा हुण इत्थे कारपोरेशन के या म्युनिसिपल कमेटियां के इलेक्शन होए, उन्होंने जोड़े रिजल्ट आए ने वो सारे सामने ने, सवाए एक गुजरात के होर कि जगह जिथे जी भारतीय जनता पार्टी जीती है, वो गुसोले गा गा के, क्योंकि मीडिया इन्हें हाथ के बच्चे सारा, जोड़ा मेन मीडिया है जिन्हों आप सारे गोदी मीडिया कह दें, वो तो इन्हों पेश कर लगा होया कि होर घुसपैठ होनी सी, और साडा नतीजा की है, असं किस नतीजे पर पहुँच जाएंगे जो RSS ने होर घुसपैठ की, तो
देखो मेरे सोच के मुताबिक तो वह बहुत सारी घुसपैठ कर चुके ने इस रूप के जी धार्मिक पक्षों कह रहा मैं धार्मिक पक्षों राजनीतिक पक्षों नहीं और धार्मिक पक्षों साडे विचारधारा बदल देन का प्रभाव जो राजनीति उत्ते कुदरती पाएगा वो सुभाविक ही है। बहुत सारे सिख प्रचारक जड़े ने जिन्हें डेरे ने सारे सनातनी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं जाने कर रहे हैं या अनजाने कर रहे हैं लेकिन विचारधारा सनातनी का प्रचार कर रहे हैं। आ जी हम असी दमदमी टकसाल की गल कर रहे टकसाल टकसूल तो है नहीं इन्होंने एवं अपना नाँ रख लिया बदोबदी दमदमी टकसाल ये तो डेरा पिंडर महता है पिंडर कलों के पहला शुरू होया उतों जथा पिंडर कहें इनू बाद आके दूजा महते इन्हों आपस डिवीजन हुई महते आके इन्होंने बना लिया तो जथा पिंडर महता बन गया जथा पिंडर महता है बदोबदी इन्होंने दमदमी टकसाल रखा। मेरा वो विशा नहीं अज की आप गल होर पास जा रही है लेकिन विचारधारा जी प्रचार रहे हैं वो आर एस एस सूट कर दी है विचारधारा कित भुगतान हो पाएगा जो इस समय जिस तरह सिखी के चलता पाया भी तुम पकड़ दिखते हो चीज़ा बोलते भी हो समझते भी हो किताबा भी लिखिया कई किताबा तो विवाद भी हुए हैं लिखण तो बाद भी चीज़ा नहीं लिखनी चाहिए सी कि अगे जाके कितने ना कितने जाके इस चीज़ को कढ़िया जा सकता सिखां दे विचों कि मानसिक रूप दे विच उसका दिमाग चीज़ा पै चुकिया ने। देखो जे मैं इस गल की गल करा तो पहले नालों बहुत चेतनता है एक समा सी जिसले असी लोग अपने आप नूं कला कला महसूस करते सी आ उंगलों ते गिणिया जा सकता अज विचारधारक तौर दे उत्ते साडी वड्डी गिनती है जिहड़ी बन चुकी है जिहड़े लोग थोड़ा समझन लग पए ने थोड़ा आप पढ़न लग पए ने जिन्होंने गुरबाणी के रट्टे लाने की बजाय गुरबाणी को विचारना शुरू कर दिता है वो हर दिन आपे ही साढ़े कहे बगैर साढ़े प्रभाव के बगैर ही वो गुरमत मार्ग से आई जाते हैं। साड़ी विचारधारा नहीं गुरु की विचारधारा है गुरबाणी की विचारधारा है वो जुड़ी जाते हैं तो जेडे रट्टे लाने वाले ने जिन्हों डेरेवेदार ने फसाया हुआ रट्टे लाई जाते हैं वो लाई जाते हैं लेकिन गुरु ग्रंथ साहब के होंदया सिखी खत्म नहीं हो सकती क्योंकि विचारधारा तो कायम है ना। गुरु साहब एक एड्डा वड्डा उपकार कर गए ने मनुखी समाज के उत्ते कि उस विचारधारा अपने हाथी एक ग्रंथ का रूप दे गए हैं जो सदा रहेगा वो विचारधारा जीवित रहेगी वो ग्रंथ के विचारधारा ग्रंथ के है ना वो जीवित रहेगी तो सिखी जी प्रफुल्लत होंगी रहेगी समय समय तो उतार चढ़ाव होते रहेंगे। खालसा जी स्पष्ट सवाल है कि जे किसी सियासी पार्टी ने एस जी पी सी के उत्ते जाके कब्जा कर लिया कि लगता कि पंजाब के लोग उस पास हो जाते हैं सो स्पष्ट सवाल है जे कल बीजेपी आर एस एस कब्जा कर लेंदी है एस जी पी सी जाके कि सरकार बन जाएगी उन्होंने इतने। देखो ये एक बड़ी वड्डी कमजोरी सिख कौम के आई हुई है सिख कौम ये तो मनती है कि सिख कौम की सब तो वड्डी संस्था है वो एक बड़ा फर्क समझना लै मैं तुम्हें फर्क समझा जिस वेले अंग्रेजों का राज सी ते लाल किले के उत्ते यूनियन जैक झुलदा सी उस वेले आम लोग तो हूँ यूनियन जैक नूं सलाम करी जाते सन सलूट करी जाते सन उहदा सत्कार करी जाते सन लेकिन जिहड़े देश भगत सन जिहड़े समझदार सन वो कहिंदे सन नहीं ये बाहर लै इहनूं असीं थल्ले लाउणा इत्थे असीं अपने देश का तिरंगा चलाउणा यही सी ना और उही होया। अज असी भावक तौर दे उत्ते आम लोग जिवें उत्थे यूनियन जैक नूं सलूट करी जाते सन वो श्रोमणी कमेटी का जिहड़ा भी कोई हुंदा है जथेदार अकाल तख्त बना दिता कोई तो कोई श्रोमणी कमेटी का प्रधान बना दिता उन्होंने मान दे जाते हैं सत्कार दे जाते हैं समझने वाले समझते हैं भी ये लोग जड़े ने यह तो उन्होंने दलाल ने उन्होंने एजेंट बैठे हुए ने उन्होंने हुक्म के उत्ते सारा सिस्टम चल रहा लड़ाई तो इस गल की है संघर्ष तो इस गल का वो श्रोमणी कमेटी को आज़ाद करवाउंदा वो किन्ने क लोग किन्ना क रोल प्ले करते हैं वो हर दिन वध रहा जिहड़ियां आने वाली कुछ चोणां होणगियां चाहे श्रोमणी कमेटी दियां चाहे पंजाब दियां उन्हां दे विच कोई नवा रूप वेखण नूं तुहानूं मिलेगा। तुसीं हुण जिक्र कर रहे हो तुसीं तां जथेदार साहब नूं जथेदार नहीं मनदे तुसीं लास्ट समय भी कहा सी कि मैं तां जथेदार नहीं मनदा और जिस तरीके नाल बाबत चीज़ों किताबों भी जिक्र किया कि वह जथेदार है नहीं ना मैं मनता ना उन्होंने किसी किसी हुक्म ना उन्होंने भी कदम कदम सवाल खड़े कर देने कि उन्होंने हुक्म जो किया सही है या गलत है
कारण की इस पिछे भी क्यों तुसीं जथेदार साहब जथेदार नहीं मनते? नहीं 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 तुसीं मेन गल नूं समझो, ये जथेदार दा अहुदा ही नहीं है। मैं उस पोस्ट नूं नहीं मनता, जे पोस्ट ही नहीं तो फिर मैं उन्हें किवें मनांगा? मेरा कोई व्यक्ति नाल सलाह हरप्रीत सिंह होरां नाल मेरा कोई विरोध नहीं, निजी तौर पर मेरा उन्हां दा कहदा विरोध है। लेकिन क्योंकि सिद्धांतक तौर दे उत्ते तुसीं पिछला इतिहास वेखो, ये जथेदार वाला जिहड़ा अहुदा है ये 1925 तो बाद शुरू होया। मैं पिछले वारी तुहानूं सारा इतिहास दस्सिया सी, हुण दुबारा दस्सण दी लोड़ नहीं। उन्हों एक स्थाई रूप दे दिता गया, ये अकाल तख्त की सेवा संभाल का जथा बनया सी, उस जथे का जथेदार सी, अज वो अकाल तख्त का जथेदार बना दिता गया। ये पोलीटिकल बंदियां नूं सूट करता है, ये कहिंदे ने कि सब तो सुप्रीम है, इहनूं अपॉइंट वह करते हैं डिसमिस वह करते हैं, तो सुप्रीम किवें हो गया? तुसीं मैनूं दसो ना, जिहदी डिसमिसल किसी होर दे हाथे च है, जिसकी अपॉइंटमेंट किसी होर दे हाथे च है, तो वो सुप्रीम किवें हो गया? आप इस भी चर्चा करेंगे दोबारा, फिर मैं तां सवाल किया क्योंकि मैंने हुण जहन में आया इस उपर भी बहुत विस्तार नाल चर्चा करेंगे। मेरे एक आखिरी सवाल है कि आने वाले समय के जिस तरह लोग अज जागरूक होए ने, सुचेत होए ने, अपने कौम के प्रति सुचेत होए ने, कि लोगों के उत्ते जिस पासे धर्म के नाँ के उत्ते कोई पार्टी खड़ जाती है सियासी, लोग भी उस पासे हो जाते हैं। पंथ नाँ से बड़ी वोटा लोगों ने पाइया ने भी पंथ है, पर लोगों को पिछली सच्चाई नहीं पता लगता कि अज भी लोग भावुक हो जाते हैं कि लोगों को समझ आ गई है पंथ के नाँ से वोटा पा के जिस तरीके अपन पता भी बाद चो लोग ये भी कहते हैं भी असी गलती की है, बुजुर्ग भी कह लग पे असी गलती की है, कि वाकई धार्मिक च लोग अखा बंद कर लेंगे ने कि सियासी पार्टी धार्मिक के गई है, अखा बंद करके वोट पा दो साढ़े पार्टी भला करेगी, जो पार्टी भला नहीं करती फिर सारी पाँच साल असं पार्टी कोसते रहने। देखो गल ये है, ये कोई शक नहीं कि पंथ के नाँ के उत्ते पहला वोटा पैदा रही ने, पंथ के नाँ के उत्ते बड़े संघर्ष भी चले ने, बड़े कामयाब संघर्ष चले ने, लोगों की भावनात्मक तौर पर अटैचमेंट है पंथ के नाल, लेकिन वो पंथ के नाँ के उत्ते ही भुलेखे चली जाते हैं। जिहड़े पुराने विचारधारा वाले जिन्ने लोग सन वो पंथ के नाँ के उत्ते चली गए, हुण हौली हौली चेंज आ रहा, जिहड़ी नवीं पीढ़ी आ रही है उन्हां विच्चों बहुत ही उस पंथ के नाँ के उत्ते भुलेखा खाण वालियां च नहीं, उन्हां च नवीं जागृति आ रही है। सो ये इनकलाब आना, चेंज आना जिहड़ा है जरूरी है आएगा। तो सारी गल बस सुनिए, साडे मौजूद सन रजिंदर सिंह खालसा। इंटरव्यू करन दा मकसद यही सी कि सियासी पार्टियां जे एंटर करना चाहुंदियां ने पंजाब दे विच कि धार्मिक मुद्दों उत्ते पकड़ होनी चाहिए है, तो विस्तार नाल जानकारी सारी ली है। अगली बार जो गलबात करांगे रजिंदर सिंह खालसा जी नाल, आपां जथेदार ते भी गलबात करांगे कि जथेदार दा जिहड़ा अहुदा है, इन्होंने एक दो मिनट लगाए ने, पर आपां विस्तार नाल इंटरव्यू करांगे कि जथेदार दा अहुदा जिहड़ा वो वाकई ही 1925 बाद जो शुरू किया गया सी, क्यों किया गया सी। कोशिश करांगे पंजाब दे उस मुद्दों नूं धार्मिक पक्षों ते राजनीति पक्षों भी किस तरीके नाल जो सियासी पार्टियां ने वो धार्मिक नूं धर्म नूं नाल लै लै के लोगों विच विचरदियां ने, ते लोकी उस सियासी पार्टियां जिता देंदे ने, कोशिश साडी जारी रहेगी। और अगली बार मिलांगे नवे मुद्दे दे नाल, और गलबात करांगे, कोशिश करांगे गलबात करन दी कि 1925 तों बाद जथेदार साहब दा अहुदा क्यों दिता गया, और क्यों लोड़ पई पंज तख्त जो साढ़े बने हुए ने उन्होंने पंज तख्त नाम देने की, इसका की इतिहास है, तुम साढ़े बने रहना।